व्यापारियों की मनमानी के चलते किसान हो रहे परेशान। किसानों ने लगाया जाम। शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील की अनाज मंडी में व्यापारियों की मनमानी के चलते आज व्यापारियों ने एक किसान की फसल खरीदने से किया इनकार तो किसानों ने लगाया जाम। मौके पर पहुंचे बदरवास थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह यादव। पुलिस प्रशासन ने किया मामले को शांत। मौके पर पहुंचे व्यापारिक प्रकोष्ठ के सह अध्यक्ष हरीश अग्रवाल। बाली ठेकेदार ने किसानों एवं व्यापारियों को समझाया। बदरवास अनाज मंडी में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। बदरवास अनाज मंडी में व्यापारियों की मनमानी की जाती है। बार बार शिकायत की गई लेकिन मंडी इंस्पेक्टर ने कभी इसको संज्ञान में ना लेते हुए हमेशा किसानों को गुमराह किया। ये मंडी में जो अभी विवाद हो रहा है, ये पूरा मामला क्या है? आप क्या मंडी सेक्रेटरी हैं? जी सर जी। जी बताएं क्या मामला है पूरा। एक किसान का गीला माल था, उसकी मंडी थोड़ी सी रुक गई थी। जब भी कर्मचारी वहाँ पे पहुँचाए इतने में ही किसान ने पूरे किसान इकट्ठे करके उदम कर दिया। मैं भी वहाँ पास में पहुँच गया था वहाँ पे, तो उसने पूरी मंडी रुकवा दी। अभी तक तो पूरी मंडी भी हो जाती तो कोई भी रेट तो लग जाए वाके माल की। नहीं, अपन ने भेजा था कर्मचारी ही भेजा कर, तो व्यापारी तैयार हो गए थे उसकी मंडी बोलने को। इसके बाद उसने पूरे किसान इकट्ठे करके उदम चालू करा दिया। जब भी हम उसको समझा रहे हैं अब क्या है उसका हाल क्या है, अपन दोबारा उसकी मंडी करा देते हैं। अपन इसमें भी है, व्यापारी भी तैयार है। चलो मंडी कराओ आप। आपका क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा सर। क्या हो गया? अरे ये मंडी नहीं कर रहे, एक ट्राली की मंडी नहीं लगाई। दिन भर होगा 40 ट्राली की मंडी नहीं करी इनने, पूरी ट्राली दे रखी है। और अब समय का हो रहा हूँ कब मंडी निपटेगी। मनमानी कर रहे हैं आगे मंडी का मंडी के अधिकारी कर्मचारी सब व्यापारन के दलाल है साले। क्यों नहीं कर रहे, सीएम साहब से बात करवाओ आप। क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है? अब उनकी मर्जी, क्या क्यों नहीं कर रहे? मंडी ट्रॉली की भाव नहीं लगा रहा और जा उठा के नाली में। क्यों उसमें क्या बेकार है क्या? और कछू भाव तो लगाओ, दो पैसे तो लगाओ। सीएम साहब से बात करवाओ आप। तो हमारी किसान जाकर दो रुपया तो लगाओ मेरे की मंडी तो बोलो। उन्हें मंडी है नहीं।